हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सब लोग को शुक्रिया है ना पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो मैं मजबूर हो गया हूँ कि फिर से छोटा छोटा वीडियो बताऊँ है ना, और क्वेश्चन बताऊँ है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से एग्ज़ाम में आ रहा है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, 5 मिनट में है ना एक तरीके के कंसेप्ट को डिस्कस कर दूंगा है ना, और कुछ कुछ आपको जानकारी और भी मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में बिहार SI में है ना, कि 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होता है। 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? आपका हानि होता है ना। तो ये जो टर्म है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत पता है। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से बनाया है ना, इसी तरीके से और भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। डेटा सेम रहने दिया, 144 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया बाबू, कि 144 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? आपका हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बनाए, या लाभ भी होता तो लाभ प्रतिशत बताया ना। तो ये सभी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होगी। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जो लाभ है, लाभ तभी होता है इंसान को जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। लॉस तभी होता है जब ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे है ना, तो यहीं से फॉर्मूला आता है ना कि बड़ा माइनस छोटा प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है? SP माइनस CP याद होता है ना। और यहाँ पर लॉस बराबर क्या होता है? यहाँ पर CP बड़ा है तो CP माइनस क्या हो जाएगा बाबू? SP हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया चीज है ना। तो ये छोटी सी जानकारी आपको चाहिए, मामला खत्म है ना। अब हम लोग आते हैं बाबू एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं ना। बिहार SI 2019 का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान आप ध्यान से देखेंगे इन चीजों को है ना। मैं ये बोल रहा हूँ बालक है ना, कि अगर 144 कुर्सी को बेचा जाए है ना, और 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, ठीक है। अगर हम 1 कुर्सी के विक्रय मूल्य को ही है ना, हम 1 रुपया मान लें। क्या मान लें बाबू? 1 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य को ही मान लें, क्योंकि लाभ हानि किसके सेंस में है? विक्रय मूल्य के फॉर्म में। तो हम मान लें कि 1 कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 144 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 144 रुपया। कितना हो जाएगा? तो हमारा 144 कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा? 144 रुपया। अच्छा, 6 कुर्सी अगर बेचे हैं तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 SP बराबर कितना? 6 रुपया। अब जाहिर सी बात है कि परसेंटेज लॉस जो यहाँ पे आपको निकालना है, तो परसेंटेज लॉस हमेशा निकाला जाएगा क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा बाबू। किस पे निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। तो कोई सामान को 144 रुपया में आप बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बेच रहे हैं, और जिसमें 6 रुपया की हानि हो रही है। तो हानि वाले केस में कौन सा बड़ा? क्रय मूल्य बड़ा, यानी कि 144 में 6 जुटने के बाद ज्यादा आएगा है ना। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 150। क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू? 150। क्रय मूल्य बड़ा, विक्रय मूल्य छोटा, डिवाइड, और ऊपर में क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस कितना है? 6 इंटू कितना? 100। मतलब फॉर्मूला अगर देखा जाए है ना, तो लॉस बटा CP इंटू 100 है ना, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या होता है? 100 होता है। इसको अगर काटेंगे बाबू तो 25 × 150 होता है ना, और 25 × 6 कितना होता है? 100। यानी कि 4% का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। 4% का क्या हो गया? लॉस। क्या हम लोग कंसेप्ट देखें कि सर हानि के केस में CP बड़ा होना चाहिए किससे? SP से। तो बड़ा लाने के लिए 6 जुटेगा। ऐसे भी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या करना वो समझ लीजिए है ना, ये थोड़ा मैं डिटेल बता दिया आपको। डायरेक्टली ऐसे करना है, सर जी हम लोग को निकालना है क्या? परसेंटेज लॉस। तो 6 का लॉस है, विक्रय मूल्य के फॉर्म में, यानी कि 144 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू कितना? 100। तो आप देखेंगे ये काटेंगे बाबू तो 150 है, तो कितना हो गया? 25 टाइम में, और 25 × 6 कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया बाबू? 4। अब खटाखट देखिए कैसे उड़ाते हैं अगले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में थोड़ा हम टाइम ले लिए है ना, दूसरा क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं। देखिए 144 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य लाभ के केस में क्या होता है बाबू? सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो 144 अगर सेलिंग प्राइस है बाबू है ना, और
अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है, 6 रुपया, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य को ही 1 रुपया माना है ना, तो 6 रुपया आपका लाभ है, यानी कि लाभ कितना हो गया, 6 रुपया। नीचे में क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य, तो 144 में से हम क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 6, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कम होगा ना, क्रय मूल्य क्या है, कम, विक्रय मूल्य कितना, ज्यादा, तो 144 माइनस कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 100, तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपका आंसर है ना। देखिए ऐसे भी स्टाइल में काट सकते हैं गुरु जी, काटेंगे तो दोनों कट जाएगा 24 6 44 से, है ना, ऐसे कटता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, और फिर एक से ये कटेगा, है ना, यानी कि 100/23, 100 बटा कितना बाबू, 23, 23 6 का 92, 8/23%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या और भी आ सकता है, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। 144 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितना वेरिएशन है ना, तो देखिए बाबू फिर से, सॉरी, हानि होता है, तो परसेंटेज लॉस बराबर, अब देखो यहां पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानना होगा, कितना मानना होगा, एक वस्तु क्रय मूल्य, तो 6 रुपया हो जाएगा। और देखो 144 वस्तु को बेचे हैं, ये विक्रय मूल्य नहीं लिखा गया, बेचे हैं, तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 144 वस्तु बेचा गया है, तो खरीदा भी तो गया होगा 144 वस्तु, यानी कि डायरेक्टली कितना हो जाएगा बाबू, 144, इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 24 6 का 44, है ना, 6 4 का 24, 25 6 का 100, तो 6 से भाग देंगे तो 4.1/6%। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया है, और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, मैं बता दिया है ना, और भी प्रॉफिट लॉस का अगर आपको और भी टाइप का डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी होता है ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, ऑनलाइन में आया हूँ, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।